देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर भाषा को लेकर चर्चा में है। बीएचयू और उसके विवादों का नाता टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। उसी का नतीजा है कि एक और नया विवाद अब तूल पकड़ता दिख रहा है। अब बीएचयू कैंपस से निकलकर शहर भर में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर से इस्तीफे की मांग उठ रही है। आरोप है कि बीएचयू के कुलपति हिंदी भाषी का विरोध करते नजर आए हैं। बता दें कि बीते दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रोसेस के दौरान एक अभ्यर्थी ने हिंदी भाषा में इंटरव्यू दिया। आरोप है कि उसे तुरंत कुलपति द्वारा बाहर निकाल दिया गया और अब ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इसी के चलते न केवल बीएचयू के बाहर आसपास के इलाकों में बल्कि शहर भर के तमाम चौराहों पर बीएचयू के कुलपति पर हिंदी भाषी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए देखे गए। साथ ही साथ उनसे इस्तीफे की मांग वाला बैनर, पोस्टर और होर्डिंग भी शहर भर में लगाए गए हैं। आपको बता दें कि शहर भर में लगे पोस्टर के चित्र में एक हाथ में कुलपति को इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पकड़े दिखाया गया है, तो दूसरी ओर इंग्लिश ओनली लिखा गया है। पोस्टर में बीएचयू वीसी के पैर के नीचे हिंदी भाषी अभ्यर्थी का चित्र बनाया गया है। पोस्टर चस्पा कर सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय की नियुक्त प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की गई है। वहीं आज स्वतंत्रता भवन के सभागार के भरे कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब 3 से 4 लोगों की संख्या में कार्यक्रम के बीच घुसे प्रदर्शनकारियों ने मंच पर बैठे कुलपति और अन्य अतिथियों के सामने ही कुलपति को हिंदी भाषी विरोधी बताते हुए पोस्टर दिखाना शुरू कर दिया। जिसके बाद सभी प्रदर्शनकारियों को प्रोक्टोरियल की टीम ने अपने साथ प्रोक्टर ऑफिस ले गई और फिर कार्यक्रम आगे शुरू हो सका। मैंने 3 जनवरी 2020 को प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के लिए जो सहायक प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार आयोजित था, मैं उसमें साक्षात्कार के लिए भाग लिया था। जब साक्षात्कार कक्ष में हम पहुंचे तो कुलपति महोदय ने मेरा परिचय वहाँ के विषय विशेषज्ञों से करवाया। उन्होंने कहा कि आप अपने पिछले 3 वर्षों की कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करिए। जैसे मैंने अपनी शोध विषय के संदर्भ में उल्लेखित किया कि मैंने बेगूसराय जिले के पुरातत्व पर किया है, उन्होंने तुरंत मुझे रोक दिया। कहा क्या, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस है और यहाँ हम हिंदी अभ्यर्थियों को एक सब आवश्यकता नहीं है। तो मैंने पूछा कि सर, इस तरह का विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं है और ना ही साक्षात्कार के पत्र में इस तरह का उल्लेख है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी जो नियमें होती है वहाँ अपने स्वेच्छा के अनुसार बनवाते हैं और भारत सरकार हमें 1,000 करोड़ रुपया देती है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस के आधार पर, तो हम हिंदी भाषी अभ्यर्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ इंग्लिश मीडियम के टीचरों की ज़रूरत है, जो कि हमारा विशेषाधिकार है कि हम विदेश से शिक्षकों को बुला सकते हैं आउटसोर्सिंग के रूप में। तो मैंने उन्हें कहा कि सर, यहाँ जो वर्तमान में बच्चे हैं उनमें से लगभग 90% बच्चे हिंदी भाषी हैं, उनका क्या होगा? तो बोले उनके लिए हमें नहीं सोचना, हमें जो अगले वर्ष से 30% जो हमारा विशेषाधिकार है कि अन्य क्षेत्रों से या विदेशों से बच्चे आएंगे उनके बारे में देखना है। तो क्या यह उचित है कि हमने सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में की, स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि के बाद अभी मैं सीनियर पोस्ट डॉक्टर फेलो हूँ राधाकृष्णन अवार्डी, और ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी माध्यम में अवार्ड की है, चाहे वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो या मेरा PhD हो। तो अगर हिंदी माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो विश्वविद्यालय को बंद कर देना चाहिए। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है, और इसी के संदर्भ में कुछ बच्चे अभी आ गए थे और उन्होंने कुछ इसी प्रकार के अपने भाव व्यक्त किए। अब ये प्रजातंत्र है, सबको अपना अधिकार है अपनी बात को कहने का, लेकिन जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल है, विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना में अंग्रेजी का भी अपना एक महत्व है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हिंदी का अपमान करने की कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि विश्वविद्यालय की को अगर हमको विश्व स्तर का बनाना है तो वहाँ पर अंग्रेजी को ध्यान देना होगा और उस प्रकार की चीज़ों को करना पड़ेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो भी बच्चे कह रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक विश्वविद्यालय का सवाल है, यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ आदि हो रही हैं आप लोगों ने देखा भी होगा, मेरिट ही एकमात्र आधार है और उसी के आधार पर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। सर, जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या हुआ उनका? उसमें से एक दो बच्चों को हम लोगों ने इंगित किया और उनको भी हम लोग ले गए हैं, पकड़ के उनसे बात पूछ रहे हैं कौन बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका मंतव्य है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी विस्तृत जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मेरी टीम उनसे बातचीत कर रही है और भी जो भी है उसको देखा जाएगा क्या करना है। बहरहाल अब बनारस शहर में अलग अलग जगहों पर वीसी के इस पोस्टर ने बीएचयू के वीसी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
BHU जैसी नामी यूनिवर्सिटी में आए दिन उठ रहे भाषा पर सवाल कोई आम बात नहीं है। बनारस से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।